ते तू भुलेखा खा के कवे कि शायद जेड़ा ज्यादा नहा धो लवे, शायद जेड़ा ज्यादा कर्म कांड कर लवे, शायद जेड़ा दुनियावी तौर ते बाहरी तौर ते बहुता धार्मिक दिखे ओ साफ होवेगा। मेरे पातशाह जी कहिंदे ने भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी। इहदे भांडे का मतलब है साडा मन। हजूर ने आख्या भांडा साफ केड़ा, मन साफ केड़ा। कह लगे जेड़ा वाहेगुरु नूं चंगा लग गया, जेड़ा वाहेगुरु नूं चंगा लगा वह साफ है, जेड़ा उहदे घर विच चंगा ना लगा वह बारी बारी तौर ते जिन्ना मर्जी अपने आप नूं सवारी जावे वह साफ नहीं मन्निया जावेगा। सो साध संगत जी साफ किवें होना है? अरदास करके, बेनती करके, तरला लैके, नाम जप के, सिमरन करके, धर्म की किरत करनी, बेईमानी नहीं करनी, पराया हक नहीं खाना, उहदे विचों वंड के छकना ते नाल दी नाल वाहिगुरु का नाम जपना। इस प्रकार गुरु नानक दे घर का यह सुनेहा है। बेअंत संगतां आईआं ते संगतां दे मन दे विच इक रीझ, कोई बेनती करदा है पातशाह कृपा करो साडे बच्चे का विदेश का कम बन जाए, कोई बेनती करदा है महाराज मैनू तंदुरुस्ती दे दिओ, कोई मां आके कहिंदी है मेरे पुत्र का मेरी धी का यह जिहड़ा विघन दूर हो जाए, कोई झोली अड के कहिंदा है जी साडी झोली विच दात पा दिओ, भजंगी दे दिओ, धी दे दिओ, पुत दे दिओ, बड़ा कुछ मंगदे आं। साध संगत जी एक जरूरी गल पल्ले बन्नण वाली यह है, सतगुरां दे घरों दातां मिलदियां ने इहदे ते शक ना करियो। शक करन वाली गल पता की है? अपनी झोली वाले झाती मार के वेखियो गुरु दातां दिंदा है मैं संभालदा वी आं कि नहीं संभालदा। ऐ गल है असल विचारण योग, ध्यान देना गुरु दाता बड़िया दिंदा जे, पर कमी इत्थे रह जांदी है आपां उहनां दाता नूं झोली दे विच संभाल नहीं जे पाउंदे। मालक दिंदा है असीं गवा लैंदे आं, मालक मुड़ मुड़ के दिंदा है साडी झोली सलामत नहीं है। गुरमुखो जतन करिए अपनी झोली सी लईए, जतन करिए अपनी जेब सी लईए, असीं मालक दीआं दित्तीआं दातां नूं संभालण योग हो जाईए। ये तरला लईए मालक जी, असीं सैकल मंगण वाले तुसां हवाई जहाजां ते बिठा दित्ता मालक जी, सतगुरु जी साडीआं कमियां कमजोरियां पाप तुसां नहीं विचारे, साडीआं चोरियां भर दित्तीआं, पर साडे मन नूं संतोख नहीं आउंदा, किरपा करके साडे मन नूं संतोख भी बख्शो, किरपा करके साडे अंदर प्रेम भी बख्शो, किरपा करके साडे अंदर भावना भी बख्शो, ते गुरु दे दर तो मंगिए विसर नाही दातार। अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात, नानक चाओ ए हो ए दात मंगिए सतगुरु कृपा करन। सरबत दियां भावनावां नूं भाग लगन, सरबत दियां आसां ते मुरादां गुरु कृपा दे नाल पूरियां हो जान। लड़ीवार कथा धन धन मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे पावन इतिहास विच चल रही है। सतगुरु जी श्री हरगोबिंदपुर की जंग जित के ते विराजे ने, बाबा बुढ़ा जी दे कोलों नगर का नाम श्री हरगोबिंदपुर रखाया है। अगे की कुछ वरत्या, बड़ी प्यारी भावना वाली बैराग वाली सिदक वाली साखी है। आओ सारे माई भाई बड़े प्रेम दे नाल लवाओ हाजरियां, करो रसना नूं पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। दोहरा श्री गुर हर गोविंद जी वीर धीर गंभीर। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी। महाबली ने, सूरमे ने, वीर ने, दल भंजन गुर सूरमा बड़े धीरज धारी ने, बहुत बहुत निंदकां दे मूहों
अपने सामने निंदा सुन के भी क्रोध विच नहीं आउंदे, कदे धीरज नहीं गवाउंदे, काले नहीं पैंदे ते गंभीर बड़े हन। सात संगत जी ऐसे बचन बिलास मेरे मालक मेरे हजूर सच्चे पातशाह जी करदे ने कि जिन्हां बचना दी व्याख्या अज भी आप भविख रूप दे विच जान के करदे हां, ऐसे गहर गंभीर रुजी ऐसे धीरज धारी ते वीर बहादुर धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। दासन करहे निहाल गाना जो सेवत होए तीर, दासन करहे निहाल गन, दास जना नू निहाल करदे ने, दास जना नू सतगुरु जी दुनियावी पदार्थ जे कोई मंगदा है तद भी झोलियां भरदे ने, ते जे कोई गुरु दे दर तों कोई अंदर दी भावना करके कोई दात मंगदा है ते महाराज ओनू भी नाम दात दे नाल भर दिंदे ने, भरपूर कर दिंदे ने, इसलिए कोई भी खाली नहीं रहिंदा। कोई दुध मंगदा है, पुत मंगदा है, धन धाम मंगदा है, कोई सतगुरां दे दर तों साध संगत जी नाम दान मंगदा है, जम्मण मरण तों खलासी मंगदा है, जीवन मुक्ति मंगदा है, सारियां ही दातां मुक्त भुगत दोवें प्रकार दियां ही सतगुरु बख्शदे हन। चाओ पई एक कश्मीरी ख्वाजा नाम, एक खालसा जी कश्मीर दे रहन वाला जिसका नाम पूरा तो नहीं लिखिया होया, ख्वाजा ख्वाजा करके सारे उन्हें जानते सन, अड अड ना ने जिमें ख्वाजा अली मुहम्मद ख्वाजा किसी तरह के किन्ने ना हो गए, ओदे नाम के मुढ़ विच लगता सी ख्वाजा ते ओदा ए शॉर्ट नेम ही चल गया ख्वाजा ख्वाजा उन्हें सारे कहिंदे सन, असली ना ओदा किसी नूं पता ही नहीं। कई बार आपां पिंडां विच रहिंदे आ, कोई बजुर्ग सठा पैंठा सत्तरा सालां दी उम्र भोग के चढ़ाई कर जांदा है ते कई बार ना पिंड दे ही सज्जण हुंदे ने, सारी उम्र लागे रहे हुंदे ने, खेडे हुंदे ने, पर उन्हां नूं ए नहीं पता लगदा भी इहदा असल नाम की सी। ओह कई बार अद्धा नाम लै के ही आपां काम चलाई जाने। सो ख्वाजा इहदा नाम है, मुसलमान है इहदा धर्म, कश्मीर दा ए रहण वाला है। पूर्व भाग जगे अबराम, इहदे कोई पूर्वले कर्मां दे वड्डे भाग जाग पए। तीन प्रकार दे कर्म हुंदे ने जी, जेड़े काम असी अज करदे पए आ ना, जेड़े कर्म इहनू कहिंदे ने क्रियामान। जिवें आपां खेतां दे विच आ जिहड़ा महीना है अगला महीना ते हुण तों ही शुरू हो गया मौसम कणक दी बिजाई दा, जिवें आपां कर्म करदे आ ना अज, कुछ बोलदे आ, कुछ सोचदे आ, कुछ करदे आ, इवें समझ लो जिवें आपां कोई फसल बीज रहे होईए, क्रियामान कर्म ने। ते दूसरे कर्म साध संगत जी उन्हूं कहिंदे ने संचित कर्म। संचित दा मतलब है संचे, जमा कीते हुए, जिवें अपने घरां दे विच ड्रमां दे विच स्टोर दे विच कणक दाणे पाए हुंदे ने ना, आपां रखे ने भिआ भिआ के उहदा आटा ते आपां प्रशादा छकदे, इवें समझ लो कि उह साडे अंतकरण दे विच जमा होए पए ने, उहनूं कहिंदे संचित कर्म। ते तीसरे साध संगत जी उहनूं कहिंदे परालब्ध। परालब्ध इदां समझ लो कि जिवें अज आपां जिहड़ा आटा गुन्नणा है पकाउणा है ते थाली विच परोसी गई रोटी है उह आपां खाणी है, पहलां आपां फसल बीजदे आ, फिर फसल पक के वढ़दी है, वढ़ी जांदी है, वढ़ के लियाउणे जमा करदे आ, जमा कीते दे विचों थोड़ा थोड़ा कढ के फिर खांदे रहिंदे आ, क्रियामान कर्म करदे आ, ये साढ़े अंतकरण विच जमा हो जाता अंदर, उहदे विचों फिर समा आउण ते हालातां दे मुताबक चंगे माड़े कर्मां दा फल असी भोगदे आ, चंगे कर्मां दा चंगा फल, माड़े कर्मां दा माड़ा फल। कई कर्म ऐसे ने जेड़े कर्म अज करिए ते अज ही उहनां दा फल मिल जांदा, कई कर्म ऐसे ने जेड़े अज करिए उहदा फल महीने नूं साल नूं दसां सालां नूं मिलेगा, वीहां सालां नूं मिलेगा। कई कर्म ऐसे ने जिन्हां दा कर्म फल सानूं नहीं बल्कि साडियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं मिलदा है,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੋ ਦਸਾਂ ਵੀਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਦ ਹੈ ਗੰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ, ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰੁੱਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਘਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਂਗਰ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਬੀਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਬੀਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖਵਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਹੀ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਆਲਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰ ਤੁਰੰਗ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਗਾਖੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਿਖਮ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਲ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਸਗਰੇ ਅੰਗ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਕਣਾ ਕਰਦਾ। ਖਰਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਦਾੜੇ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਕਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਰਕਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਘਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਰਕਣਾ ਕਰਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਜਬ ਅਰੂਢ ਕਰ ਪੰਥ ਪਧਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਗੈ ਆਸ ਕੇ ਸਦਾ ਸਿਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸੋ ਚਿਤ ਬਿਰਮਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਕਿਹੇ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਮਾਨ ਸਹਾਰੀ ਅੱਕੇ ਪਾਕੀ ਜ਼ਹਿ ਤਰ, ਖੂਬ ਰੂ ਉਹ ਖੂਬ ਖੂਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੇਅਰ, ਪੇਸ ਸਾਂ ਜੁਜ ਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਜੂਰ, ਨੇਸਤ ਗੈਰ ਹਰਫੇ ਬੰਦਗੀ ਦਸਤੂਰ ਨੇਸਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ
कोई भी गल जे रब दे घर दी करिए ते प्रसन्न हो के सुनदे ने, जे चुगली निंदा करिए ते ध्यान ही नहीं दिंदे। ए है साध संगत जी, किसे ने किसे कबीलियां दे विच कोई बंदा सी, कबीले कबाइल लोकां दे विच जा के ना, ते उन्हें पुछिया गल्लां बातां करदे आ, बड़ा कुछ पुछदा भी ये की करदे हो, ये की करदे हो। ते जदों उन्हें वेख्या ना भी कबीले वाले अपने सरदार की बड़ी इज्जत करते ने, बड़ा उन्हों आदर माण, तो कबीले का सरदार बजुर्ग सी, ते कबीले दे नवे सरदार की चोण वास्ते चर्चा हो रही। उन्हें पूछया भई तुसी जदों सरदार चुनदे जे ते उहदे किहड़े गुणां दा ध्यान रखदे जे, भी ताकतवर होवे, चलाक हो, का की ध्यान रखते हो, पढ़िया लिखिया होवे, जवान होवे, तगड़ा होवे, कादा ध्यान रखते हो? वह कहिंदे नहीं, असी ये नहीं वेंदे भी कल्ला ताकतवर होवे, ताकतवर होना चाहिए पर कल्ला ताकतवर नहीं, चलाक होवे ये भी नहीं। वह कहिंदे सब तो पहला गुण असी पता की वेने आ, सब तो पहला गुण वो ये वेने आ भी जिन्हों अपने कबीले का आगू बनाना, सरदार बनाना है, जिन्हों अगलिया पीढ़ियां का राजा बनाना है, वह सब तो पहला गुण ये हो वे, ए बंदा कि चुगली निंदा करता ज सुनता तो नहीं। एक कबाइली लोगों की रवायत, वह कहिंदे ये तो सधारण गल है, कहिंदे सधारण गल नहीं है, राजे का पहला गुण ये हो वे भी राजा कन्ना का कच्चा ना हो, ये ना हो किसे दे कोलो गल सुन के किसे दे विरुद्ध अपने मन दे विच कोई गल बना के बह जाए। वो कहिंदे कोई भी राजा, कोई भी आगू, कोई भी कबीले का सरदार बनाउणा है, पहली गल के वो आगू जेड़ा है वो किसे दियां चुगलियां ना सुनदा होवे, निंदा ना सुनदा होवे, ते आप भी ना करदा होवे। जो चुगली निंदा सुनेगा इंसाफ नहीं कर सकेगा, जे आप किसी की चुगली निंदा करेगा एदा मतलब वो कायर है, वो किसी के मूँह ते गल नहीं कह सकता, इसलिए पिठ पिछे कहिंदा, वो सुन के हैरान हो गए, कहिंदे वाकई गल तो छोटी जी सी पर एदा मतलब बड़ा डूंगा है। ये पहला गुण कबीले दे सरदार वेंदे हुंदे सन कि ऐसा बंदा चुनना है जिहड़ा कन्ना दा कच्चा ना होवे, ते जिहड़ा पिठ पिछे गल करन वाला ना होवे, जिहड़ी गल करनी मूँह ते करदा होवे। कहिंदे जी दे विच ये गुण हो गया ना, वह बहादुर होवेगा, वह ईमानदार होवेगा, वह दिल का साफ होवेगा, वह न्याय दे उत्ते खलोण वाला होवेगा। कहिंदे इस गुण तो परखिया जांदा है कि यह बंदा आगू बनन दे योग है भी जा नहीं। ते जेड़े भी राजे का राज बर्बाद हुंदा ना, वह भावें पुराने जमाने दे भावें अज दे जमाने दे, उहदी बर्बादी का सब तो वड्डा कारण यह हुंदा है वह अपने आसे पासे दे कुछ लोगों के कोलों कुछ चुगलियां अपने कन्नां दे विच पा बैंदा है, ते इस वास्ते वह हकीकत तो दूर हो के अन्याई बन के इंसाफ तो दूर हो के अपने राज नूं बर्बाद कर बैंदा है। सो ये मेरे हजूर ने कृपा की अपने सिखां कहन लगे गुरु का जिहड़ा पूरा सिख है ना, नाम वाला बाणी वाला, वो ना तो चुगली करदा ते ना चुगली सुनदा। खालसा सोए जो निंदा त्यागै, जिहड़ा निंदा करनी भी त्यागदै, जिहड़ा निंदा सुननी भी त्यागदै, ते धन है भाई खवाजा जिन्हें चुगली निंदा सब त्याग दिते। रहे एकांकी मेल ना ठान, ते एकांत विच ए है जिन्हां दे अंदर नाम दी चिणग जाग पई है, जाग लग गई है जिन्हां दे अंदर। बुले शाह ने कहा ना, वो कहिंदा बुलिया जाग बिना दुध नाहीं जमदा, भावें लाल हो जे कड़ कड़ के, दुध पतीले च पाया भावें कड़ कड़ के लाल हो जाए, संघना हो जाए, पर दही नहीं जम सकता। दही केवल उदों जमेगा जदों दुध नूं जाग लाई जाएगी, चेता रखना। ते दुध नूं जाग कदों लाई जाती है, जदों पूरा ठंडा होवे, कहिंदे नहीं, जदों पूरा गर्म होवे उदों भी नहीं,
ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਕਦੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਤਰਕ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਤਰਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਗਾ ਮਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਅਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਉਣਗੇ? ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਤਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੰਡਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੈਂਚੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੂਈ। ਜੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਦ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜੇ ਸੂਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਲਤ ਸੀਣ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤਰਕ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਰਕ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਕ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤਰਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਝੈਲਾਂ ਦਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਝੈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ 2 ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤੋਪ, ਤੇਰਾ ਟੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਝੈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1-2 ਦੀ ਵੱਖੀ ਮੈਂ ਪਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ।
गुरु गोबिंद सिंह जी दे वेले भी बंदूकां पिस्तौल सन, ये नहीं भी पिस्तौल दा जमाना है कृपान पाई फिर दे, ये को दलील है, ये कुतरकां ने कुतरकां, ये पिछे नहीं लगना। सही तर्क होवे, एक दायरे विच होवे, ते साध संगत जी धर्म की कमाई हो जाएगी। पर जे आप गलत तर्क करन लग पावांगे साध संगत जी, फिर तो जीवन बर्बाद है। सूई ते कंची का फर्क पता होना चाहिए। सूई सियोंदी है शरदा है, कंची कटदी है तर्क है। कंची भी जरूरी है, सूई भी जरूरी है, पर कंची हमेशा उस्ताद दे हाथ विच हुंदी है, सिखण वालियां दे हाथ विच नहीं जे हुंदी। इस करके प्यारियो शरदा बड़ी जरूरी है। ते भाई खवाजे विच बड़ी शरदा है, बड़ा प्रेम है, बड़ा सिदक एदे अंदर है। गुर सेवा मह रह सावधान, ए सदा सतगुरां दी सेवा विच सावधान हो के रहिंदा। कृपा दृष्ट एक दिन पेख तारी, एक दिन सतगुरां ने एदे वल कृपा दृष्टि करके वेखिया। दौरियो गमनत तुरंग अगारी, सतगुरु घोड़े ते सवार ने ते ए अगे अगे दौड़दा जा रहा बड़ी तेज, क्योंकि घोड़े दे बराबर मनुख, घोड़ा भावें हौली चलता होवे पर बंदा उहदे बराबर बहुत जोर ला के दौड़ेगा तां चलेगा। ते इहदे विच इन्ना प्रेम है, ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਤੇਜ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਦ ਅੰਗ ਤੇ ਚਲ ਹੈ ਬਿਸਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਚੋਈ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜਕਾ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਪਿਖ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਣਜਾਰਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਘਰ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈਏ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੜਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਖਵਾਜਾ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜਕਾ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਰ ਹੋਵਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਦ ਦੁੰਦ ਸਮ ਜੋਵਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਖਵਾਜਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੇ ਨੇ
जिन्हों का जन्म हिंदू परिवार का है, मुसलमान परिवार का है, कई ने तो अमृत भी छक लिया। अमृत छकना या ना छकना उन्होंने अपनी मर्जी है, केस रखने ना रखने उन्होंने अपनी मर्जी है। हिंदू रह के भी वह गुरु नानक की सिखी कमा सकता, मुसलमान रह के भी गुरु नानक की सिखी कमा सकता है। ये कोई नफरत नहीं है भाई तू जे गुरु नानक के घर न आके मन लग पिया है तो तू हिंदू घर में जमया है तो तू हुण मंदिर ना जावी। हाँ सिख के उत्ते जरूर हुक्म है, सिख के घर में पैदा होने वाले तू मंदिर मसीते चला भावें जावी, पर चेता रखी मूर्ति अगे मथा नहीं टेकना, क्योंकि हिंदू धर्म के वेद हिंदुआ भी मूर्ति अगे मथा टेकन की आग्या नहीं देंदे। मूर्ति मथा टेकना साडे मुताबक ही गलत नहीं है, हिंदू धर्म के वेद भी आग्या नहीं देंदे। वेदा कोई हिंदू वीर पढ़े किसी विद्वान पूछो कि मूर्ति पूजा जायज है तो विद्वान दसेगा हिंदू विद्वान के नहीं मूर्ति पूजा हिंदू धर्म के विच भी जायज नहीं है, तो सिखां च किवें हो सकती। सो साध संगत जी कमाई की गल है, गल कमाई की है, केवल ये नहीं है भी अमृत छक लिया बाणा पा लिया। हाँ सिख ने अमृत जरूर छकना, सिख की अमृत छके बगैर कोई गति नहीं, पर नाल दी नाल कमाई भी करनी। हिंदू या मुसलमान कोई ईसाई कोई होर भरा होवे साडा बोधी जानी ओ बिना अमृत छके भी कमाई कर सकदा है। उत्तर गुरु ने निकट हकारा, सतगुरां ने इनू अपने कोल बुलाया दी शरदा दी कमाई वेख के। कहो क्या इच्छा हृदय मजारा, एदे अंदरों दुख सुख सब इच्छा दूर हो गई, हरख सुख तो अतीता हो गया, ओ अवस्था ए ने पा ली है, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पै नहीं जाके कंचन माटी माने। ते साड़ी अवस्था पता की है जी, बाणी मुताबक साड़ी अवस्था है सेवा थोरी मांगण बहुता, महल न पावे कह तो पौता। साड़ी अवस्था ए, साड़ी अवस्था ए है कड़शियां फिरन सवाओ न जानन सुनियां। साड़ी अवस्था ए है गली असी चंगिया आचारी बुरिया, मनोह कसुदा कालिया बाहर चिट्टविया, रीसा करें तिनाड़िया जो सेवें दर खड़िया। साड़ी अवस्था ए, ते एस रब दे प्यारे दी अवस्था ए बन गई बड़ी उची आत्मक अवस्था। सोनकार हाथ जोर बाच पाखा, सतगुरा ने आख्या हां भाई ख्वाजिया दस की चाहिए तेनू, तेरे मन दिया सारिया मुरादा पूरिया, तेरी हर इच्छा पूरी, दस भाई तेन की चाहिदा है। एक रावर दर्शन अभिलाखा, सात संगत जी अगो उत्तर की दिता, कह लगा महाराज मेरे मन दिया सारिया इच्छावां, मन दिया सारिया जो मनसावां ने ओ मुक गईया ने, आसा मनसा बंधनी भाई कर्म धर्म बंधकारी मुक गई, सब मुक गई, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, मेरे मन में कोई किसी तरह की डिजायर बाकी नहीं बची। हाँ जे आप जी कहिंदे हो कुछ मंग ते मैं कुछ मंगना ही है ते मैं मंगांगा सदा सदा तुहाडे दर्शन हुंदे रहन। अपर चाहे नह मेरे कोई, क्या मांगो कि छथिर ना रहाई। धन गुरु नानक देव जी ने भी बड़े प्यारे बचन हन, पातशाह जी ने सानू ये समझाया है अरदास रूप दे विच, ए अवस्था है भाई ख्वाजे दी। जदों पुछया ना हां भाई मंग की मंगदा है, ते अगो बेनती करके जो बाणी दे बचन ने उस अवस्था दे मुताबक के हे दाता वाहिगुरु मैं तेरे कोलो की मंगा, क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। महाराज पहला मैं चाहुंदा सां भी मैं रुपये मंग लवां पैसे, पर कथा सुनदियां कीर्तन सुनदियां बाणी पढ़दियां मैनूं समझ आ गई है के माया मैल ही है हथां दी, इहदा कोई लाभ नहीं। पहला मैं चाहुंदा सां मैं राज भाग मंगा,
पता लगा राज भाग भी सिरदर्दी है कुछ नहीं। पहला मैं चाहता सा कि मैं तुहाडे दर तो कोई शोहरत मंग लवा कुछ होर मंग लवा पर पता लगा यह भी सिरदर्दी है। बंदा चाहता मैं राज भाग का मालक बन जा। राज भाग के मालक नूं पुछिया वह कहिंदा राज भाग की वजह नाल ना दिने चैन ना रात नूं चैन मैं डिप्रैशन विच ही रहिंदा। फिर किसी ने सोचिया कि मैं धन बड़ा कमा लवां ते किसी बड़े अमीर अंबानी अडानी वर्गे नूं पुछ लिया भी इन्ना पैसा बड़ी मौज होनी है। वह कहिंदे मौज सवाद ही है जब नूं फड़िया इधरों घाटा पै गया इधर वाधा हो गया इधर फलानी कंपनी की जिम्मेवारी किनू देनी है फलानी कहते सारा दिन सारी रात चिंता ही पई रही। जिधर भी मूंह किया की पता लगा दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकलियो कोए। जिधर भी मूंह किया पता लगा नानक दुखिया सब संसार महाराज ना मैं कार कोठी मंगा ना मैं राज मंगा ना मैं दौलत मंगा मैनू इनी गल समझ आ गई कि आ मांगों के जिथिर ना रहाई हर दी जय नाम प्यारी जियो मैनू अपने नाम दी दात दर्शना दी दात दे दियो। सदा समीपी तुमरे होई सदा तुहाडे समीपी हो जाइए ते साडा मंगण दा साहब पता की है। कोई सज्जन सन उन्होंने गुरु घर आण के बच्चे वास्ते अरदास करवाई साडे काके दे नंबर चंगे आ जान आइलैट्स दे विचो चंगे 6 बैंड आ जान आप अरदासा करवाने ना ज़्यादातर अरदास यो ही अजकल सात संगत जी ओदे काके दे नंबर आ गए ते उन्होंने मुड़ आण के अरदास करवाई सतगुरां दे चरण भी घर पवाने ने ते बेनती ये करनी है महाराज हुण ये भी कृपा कर दिओ आ साडी बेनती है भई हुण साडे काके दा बाहर दा वीजा लग जाए। तो परिवार दे एक मैंबर सन बजुर्ग वो कहिंदे भी हुण बाबा आ साडी बेनती बस मन लै। तो कहण दा इउं लगदा है भी जिवें बस आ मन ली ते मसला हल। ते दास ने बेनती कीती भी ठीक है ये बेनती करते हैं गुरु मन भी लवेगा पर यह किदा सोच बैठे हो भी यह बेनती मन ली तो मसला हल। साडियां बेनतियां नहीं मुकनियां सारी उम्र काके का वीजा लग जाना फिर असी कहना हुण सही सलामत पहुंच जाए। जो पहुंच जाना ना बाबा जी हुण कृपा करो उन्हूं काम भी कोई चंगा जिहा मिल जाए वह भी मिल जाना। हुण बाबा जी इहदा कोर्स पूरा हो गया है तो इहनूं PR मिल जाए वह भी मिल ही जानी। हुण बाबा जी कृपा कर दिओ उहनूं घर मिल जाए हुण इहदा रिश्ता हो जाए हुण बाबा जी इहनूं पुत दे दिओ हुण बाबा जी आह दे दिओ। जिन्ना चिर जीने आ ना पहला अपने लिए मंगी जाने फिर पुत्तां लिए मंगी जाने पोतरिया लिए मंगी जाने दोहतियां लिए मंगी जाने मैनू माफ करना साडियां मंगा कदी नहीं मुकदियां ये लिस्टां वधी जांदियां वधी जांदियां वधी जांदियां। पहला कल्ला अपने लिए मंगदे आ फिर बच्चे ज्यादा होंदे ने फिर पोतरे पोतरियां दोहते दोहतियां होर ज्यादा वध जांदे ने फिर होर गां दी गां ये मुक्कण च ही नहीं कम आउंदा। जिहनूं समझ आ जांदी ना समझ आ जांदी वह कहिंदा बाबा जी मेरे मंगियां थोड़ा तुसी दिंदे हो जे मैं ना मंगा तुसी तां वी दई जांदे हो गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इह की आपां की समझदे भी जे मैं गुरु दे घर आके अरदास करदा वा सुखना सुखदा वा तां मैनू मिलदा है की लगदा है भी ओह तां बाबा जी ने देना नहीं सी। खालसा जी अपने नालों अपना ज्यादा फिक्र साडे मालक नूं है जिन्हें सानू साजिया है। जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अगन मैं जिन्हें उबारिया उदों तू अरदास कीती सी कि बाबा जी सुखी सांदी मेरा जन्म हो जाए मां दे गर्भ विचों मैं सुखी सांदी दुनिया च चला मेरे अंग पैर चंगे बन जान। तू अरदास कीती सी भी मैनू पुत बनाओ या धी बनाओ नहीं ना। जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अगन मैं जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साक सहन मुख अप्याओ बैठ कौदैन। ये है साडे नाल पर उपकार
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਲਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਖਵਾਜਾ ਮੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕੀਰਤ ਜਗਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਹੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਾਰ ਕਬਾਟੀਆਂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਕਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਪਿਆਰਿਆ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਬਦਨ ਰਾਵਰ ਸੁਖ ਧੰਮਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਸੁਣਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਰਹਿ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੌ ਦਰਵਾਜ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਸਵੇਂ ਚੋਈ ਜੈ। ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
मेरे हजूर गरीब नवाज कृपालू जी ने आख्या कि तेरे बजर कपाड़ खुल गए, सुरत दे दरवाजे खुल गए, रोम रोम दे विच नाम वस गया, हिरदा प्रसन्न हो गया, आनंदत हो गया। किसो कैसे कभू ना कहे, किसे दे नाल कदे कोई बचन कोई वार्तालाप नहीं करता, सदा नाम दे विच ही डुबा रहिंदा, सिमरन विच ही लगा रहिंदा। सात संगत जी ओ अवस्था जेड़ी अवस्था नू सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, ओ अवस्था है हर नाम हमारा भोजन, छत्ती प्रकार जित खाया हमको तृप्त पई, हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई, हर नाम हमारा वखर हर नाम व्यापार, हर नामे की हमको सतगुर कार कुन्नी दई, हर नामे का हम लेखा लिखिया सब जब की अगली कान गई। नाम ही ना कितना भगत जी ने उदाहरण दितियां, कह लगे जिस प्रकार कोई भुखा भोजन नू मंगदा है, जिवें प्यासे लई पानी है, जिवें किसे काम ग्रस्त कामी वास्ते कामिनी, जिवें छोटे बच्चे वास्ते मां, धन गुरु अर्जन देव जी ने भी उदाहरण दितियां, कह लगे कि जिस प्रकार अग नाल कोई सड़दा होवे ते उत्तों पानी पै जाए, जिवें पानी विच कोई डुबदा होवे कोई किश्ती नू हाथ पै जे, जिस प्रकार मैदाने जंग विच कल्ला बंदा घिरिया होवे सका भरा मदद करन आ जावे, जिस प्रकार चल दी चक्की दे विच किल्ली नाल लगा दाणा बचिया रहिंदा है। कह लगे नाम दी ऐसी किरपा है, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत भज केवल नाम, मूर्त को जैसे बेड़ी मिलत, बुझत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुख है खीर, जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात। ते फिर कहिंदे ने बहुत उपमा थोर कही, उपमा बड़ी वड्डी असी थोड़ी जी कही है। ए अवस्था है, ओ अवस्था जिदा कही साडे विच हुंदे ना, ओ तर्क दी कंची पुठी सिधी चलाउण वाले ओ पता की करनगे, फलाने महापुरखां बारे सुणदे आ वी ओ 100 पाठ जपजी साहिब दा कर लैंदे, कहिंदे लै इह किद्दां हो सकदा, एक पाठ 10 मिंटां विच, एक घंटे च 6 पाठ, जे 10 घंटे भी करो ते 60 हो गया, ओ इदां दा हिसाब किताब लाउण लग पए, इदां दा हिसाब किताब नहीं लगना उत्ते। जिवें जेंटलमैन बन के रोटी खाइए ते 100 नखरे होंदे ने थाली विच, किवें परोसा है चमचा है की है, एक भुखा बंदा है सारा दिन कुछ नहीं खादा, अगले दिन जाके उहनूं कहो वे भोजन चंगी तरह ना असीं उहनूं परोस के चमचा वगैरा लिया के फिर तैनूं दिंदे, ओह कहिंदा भरावा मैनूं कुछ नहीं चाहिदा, मेरे हत्थां दे रख दिओ, बुक विच पा दिओ, मैं इदां ही खा लैणा। जे ते ना लगी होवे ते कहो जी जल, कहिंदा फिल्टर दा है, फिल्टर का तो नहीं रहन देना, मैं फिल्टर का पीना। उस बंदे नू सारा दिन प्यासा रखो ते प्यासा रख के मुड़ के कहो भी पानी तरले लैंदा है, कहिंदे पानी तो हैगा पर ना मझां पी गई मूँह पा के, वह कहिंदा कोई नहीं मैं मझां का जूठा भी पी लूंगा। वह अवस्था है मेरे उत्थे गल्लां नहीं ढुकदियां, 10 मिंटां च एक पाठ, एक घंटे च 6 पाठ, खालसा जी फिर तां गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, उहदे अंदर फिर कोई दुनियादारी नहीं, कोई संसार दी ध्यान ही नहीं, उह तां फिर अंदर डुब गया नाम दे विच। सच्ची गल मैं कहां, वाकई जिहड़े कहिंदे ना 100 पाठ, गल उहनां दी भी गलत है, क्योंकि उत्थे जा के गिणती नहीं रह जांदी, उत्थे जा के माला भी सुट दिंदा है, पहला माला फड़दे आ पर जो नाम नाल सुरत जुड़ गई ना, बुल्ले शाह ने कहा माला फड़ के अल्लाह 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 जपदे जब जो सुरत जुड़ गई ना, माला मारी पवांगे परे, बड़े गुस्से न। किसी ने पूछ लिया, वो बुलिया तस्बी क्यों सुटी हो, वह कहिंदा भी मैनू हुण तस्बी वल वेख के बहुत माड़ा फील हुंदा, भैड़ा लगदा, क्यों, वह कहिंदा मैनू शर्म आउंदी है, मैं अपने प्यारे प्रीतम का नाम गिणतियां कर करके लैंदा रहा, ऐ अवस्था आ जाती है। फिर आरंभ विच माला पकड़ लैनी माड़ी गल नहीं,
पर फिर अवस्था आ जाए वो अंदरों फिर फील हुंदा वाहिगुरु मैनू बख्श लवी मैं ते तेरा नाम भी गिण गिण के लैंदा रहा मेरे जिहड़ा पापी कौन सतगुरु मैनू बख्श लियो मैं ते जपजी साहब भी गिण गिण के पढ़ता रहा फिर वो अवस्था बहुत अगे सौ तो कुछ भी नहीं किसी गुरमुखा ने कहा सी सौ तो थोड़ा जे कह दिए ना भी 100 करोड़ वड़ी पाठ किया एक दिहाड़ी च ता भी संभव है अहे ओ किवें उन्हना गुरमुखा का रोम रोम आ जिहड़े साडे शरीर ते रोम ने रोम रोम रसना बन गया जीभा बन गया कि गुरबाणी इहनू मनदी है हाँ जपजी साहब पढ़ते हो ना जपजी साहब जी का पाठ करो तो बचन आएगा एक तू जीभों लख हो मेरी एक जबान तो लख जबाना हो जान ते लख ते रुक नहीं गए हजूर कहिंदे ने लख हो लख वीस एक एक लख तो भी लख हो जान पहला एक तो लख गुणा फिर लख तो भी लख हो जान ते बाबा जी इन्नियां जीभां दा करना की जे कहन लगे एक दू जीभों लख हो लख हो कीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश फिर मैं हर जीबा दे नाल लख लख वरी वाहिगुरु दा परमेश्वर दा नाम जपां एक जीव तो लख हो जान लख तो भी लख हो जान हर जीबा दे नाल मैं ते ए लख भी लख किवें हो सकदी आ आ जिहड़ा कल्ला कल्ला रोम है ना साडे शरीर ते पूरे शरीर ते ये फिर कला कला रोम जीबा बन जाता है गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु ये बड़ी डूंगी अध्यात्मक खेड है बहुत उच्ची अवस्था है असी ते दे पास को भी नहीं कला कला रोम ही जीबा बन गया जदों कला कला रोम जीब बन गया तो फिर 4-5 मिंटा दे वेच ही करोड़ा पाठ हो सकते हैं क्योंकि साढ़े शरीर के करोड़ा करोड़ा रोम ने पर उहदा मतलब गिणती नाल नहीं है उहदा मतलब प्यास नाल है प्यास प्यासा बंदा बेहोश हो जाए तो बेहोश होया भी आखेगा पानी 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 भुखा बंदा बेहोश भी हो जाए तो भुखा होया भी रोटी रोटी कहेगा बच्चा बीमार होया भी मां तो विछड़िया मां मां करता है ये तो दुनियादारी दियां गल्लां ने ते जिन्हों करक कलेजे मां ही लग गया ना ओ भावें जो मर्जी हो जे ओदे मुख दे विचो वाहिगुरु 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 ओदे अंदरों नाम ही निकले रोम रोम दे विचो नाम ही प्रगट होवेगा इस प्रकार ये गुरमुख रब दा प्यारा ये कहिंदा जी नाम तो बिना और कुछ नहीं चाहिदा केवल ते केवल नाम चाहिदा है एक सही अद जानी जिस नामो इस तो अगे खालसा जी अगली साखी हुण आरंभ होई है ये साखी दोवें साखियां क्योंकि जुड़िया हुई ने एक दूजे दे नाल ये तो अवस्था दस दिती है भाई खवाजा कश्मीरी दी ते खवाजा कश्मीरी दे राही एक होर मुसलमान गुरु का प्यारा बनिया भाग लगे ओदी वार्ता कल नू सुनांगे उस गुरमुख रब दे प्यारे दे जीवन दी की वार्ता है धन सतगुरु हरगोबिंद साहब किवें ओदे ते किरपा करदे ने सो साध संगत जी समय की भी समाप्ति है साखी भी मुकम्मल होई है इत्थे ही कथा नू संकोचदे होए आप संगतां तों खिमां दे जाचकां आओ अखीरले बचना रसना द्वारा सांझे करिए सतगुरां दे महान दर कर दियां खुशियां प्राप्त करिए जी तिस दिन ते परसन मन रहै किसो कैसे कबहू ना कहै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
Guru.
आनंद सागर निर्भरया तेते अवगुण हमारे दया करो किश मेहर ओ पावहो डूबते पदर तारे रामैया हूँ बालक तेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा सुत अपराध करत है जेते जननी चेतना राख सुते निमाणया दे मान गुरु निताणया दे तान गुरु तन तन साहेब श्री गुरु रामदास साहेब जियो तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज कोल को माए ला गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना बोल कुमाई लालना बोल कुमाई लालना बोल कुमाई सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना आ, 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 आ,